स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी फाइन। टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर वाइज रिवीजन इन अकॉर्डिंग टू अरिहंत मॉडल पेपर्स, सैंपल पेपर्स जो अरिहंत वालों ने किस तरह से यहाँ पर देने की कोशिश की है, उसको हम थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से सॉल्व करने का एक प्रयास कर रहे हैं। और उसमें एक प्रयास जो हमारा है वो ये मान के चल रहे हैं कि हमारे यहाँ थ्री टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। उन थ्री टाइप्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, दीज आर द क्लासिफाइड इन गॉड गिफ्टेड, लेबोरियस एंड डल स्टूडेंट्स। गॉड गिफ्टेड जो होते हैं वो ऑलरेडी ईश्वर द्वारा विशेष प्रतिभा संपन्न होते हैं, लेकिन जो सेकेंड लेबोरियस होते हैं वो लेबोरियस की कंडीशंस में क्या होते हैं कि वो अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करते हैं, वो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं। लेकिन जो डल स्टूडेंट्स होते हैं वो बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दे पाते, तो ऐसी कंडीशंस में हमें प्रमुख रूप से उन बच्चों को भी कंसिड्रेशन में रखना होता है कि भाई हमारे ऐसे बच्चे भी छूटने ना पाएं, तो उनको हम चैप्टर वाइज रिवाइज कर रहे हैं जो अरिहंत वालों ने CBSE मॉडल पेपर्स के माध्यम से देने के लिए कोशिश किया है। चैप्टर वाइज क्वालिफाइंग राउंड में मैक्सिमम एक्सपेक्टिव क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं किसी चैप्टर विशेष पर, पहले हम उसको रिवाइज करेंगे और जस्ट उसके रिवीजन के बाद फिर हम मॉडल पेपर्स में एक टिप्स के माध्यम से, एक लेटेस्ट ट्रिक के माध्यम से आपको हम ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से हम अच्छे ढंग से क्वेश्चंस और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम क्वालिफाइंग राउंड में शुरू करते हैं। क्वालिफाइंग राउंड में पहला हमारा है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आप जानते हैं कि रेशनल एंड इरेशनल दो पार्ट्स होते हैं। रेशनल नंबर्स के पार्ट्स आपको क्लास 9th स्टैंडर्ड में रीडिंग कराया जाता है, जिसमें रेशनल प्रॉपर्टीज को बताते हैं, रेशनल के अकॉर्डिंग नंबर्स को क्लासिफिकेशन, इवेल्युएशन, ये सारी चीज़ों पर बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है क्लास 10th के लिए इरेशनल एंड रेशनल का बोथ प्रॉपर्टीज पर हम कंसिड्रेशन करते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड इन क्वालिफाइंग राउंड ऑफ द चैप्टर्स, लाइक एज रियल नंबर्स में फर्स्ट इज MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अब हम देखते हैं कि आपके इस मॉडल पेपर्स में क्वालिफाइंग राउंड में क्या दिया गया है, कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं और कैसे हम शॉर्टली उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्राइम इवन नंबर इज, तो द नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्राइम इवन नंबर्स, तो प्राइम इवन नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो दो शर्तें हमारे पास आती हैं, एक तो प्राइम। अब प्राइम की डेफिनेशंस में जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ प्रमुख रूप से प्राइम नंबर्स के चीज़ों को ध्यान देना होगा। प्राइम नंबर्स हमारा क्या है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग देखते हैं कि प्राइम नंबर्स इज द नंबर, इट हैज टू फैक्टर्स ओनली। प्राइम नंबर्स में क्या होता है, ओनली टू फैक्टर्स। ओनली टू फैक्टर्स का मतलब क्या होते हैं, जस्ट लाइक वन एंड इटसेल्फ, ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज इक्वल टू वन एंड इटसेल्फ। दो मॉडल इसके होते हैं। इटसेल्फ का यहां मतलब क्या होता है, सामान्य तौर पर इटसेल्फ का मींस स्वयं, अर्थात सपोज कीजिए कि टू नंबर से स्टार्टिंग करते हैं तो टू की विशेषता क्या है, टू वन से डिवाइड होगा या फिर स्वयं से डिवाइड होगा, तो प्राइम नंबर्स है। लेकिन अब उसी के साथ साथ एक वर्ड इसने जोड़ा, इवन भी। इवन की बात क्या होती है, इवन क्या है, इवन मीन्स दोज नंबर्स आर डिवाइडेड बाई टू, तो दैट इज प्राइम इवन नंबर्स। तो जस्ट इन अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल टू, टू इज द प्राइम एंड इवन बोथ, इन द शॉर्ट फॉर्म पी डैश ई कह सकते हैं। पी डैश ई का मतलब प्राइम इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम इवन नंबर्स इज, दैट इज टू फैक्टर्स ओनली। टू फैक्टर्स मीन्स वन एंड इटसेल्फ, एंड अदर प्राइम इवन नंबर्स इज नॉट पॉसिबल इन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। सो दैट वी कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स ऑलवेज एक्सप्लेन ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ।
तो इस तरह से इसका चॉइस जो आपका होगा, फर्स्ट चॉइस इज करेक्ट हियर, कि यहाँ पहली चॉइस इसकी सही होगी। ये मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस में हमें क्लियर नॉलेज होना चाहिए, कंफर्मेशन के साथ ही हम टिक लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की क्या पोजीशंस थी। फर्स्ट क्वेश्चंस में देखा आपने प्राइम इवन नंबर्स, प्राइम इवन नंबर्स में मतलब था कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी सर्टेन कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो नंबर प्राइम हो, मीन्स इट हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन इन इटसेल्फ, और दूसरा इवन हो, इवन मतलब कि टू से डिविजिबल हो। तो ओनली टू इज द नंबर दैट इज प्राइम एंड इवन, बोथ इट हैज टू फैक्टर्स ओनली। नाउ वी कैन से फर्स्ट चॉइस इज करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट कंडीशन, द जनरल नंबर, द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच आर डिवाइडिंग 1659 एंड 2036, 1659 एंड 2036, दीज आर टू नंबर्स। अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब कि जीसीडी, या उसी को हम ग्रेटेस्ट नंबर भी कहते हैं, लीव्स रिमाइंडर 8 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। इसमें क्या कर रहा है, इससे हमें 8 रिमाइंडर लीव कर रहा है, मतलब कि 8 रिमाइंडर्स दे रहा है। और यहाँ पर सेकंड कंडीशंस के लिए क्या है कि नेक्स्ट के लिए कह रहा है 4 इसका रिमाइंडर्स है, तो इनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आफ्टर द सब्ट्रैक्शन वी गेट 1651, और यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये क्या मिलता है, 2032। अब इससे क्या हमें करना है, जीसीडी फाइंड आउट करना है। जीसीडी मतलब कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे आप एससीएफ भी कहते हो, ठीक है। तो उस एससीएफ को पता करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एससीएफ के लिए दो प्रोसेस होता है, एक तो फर्स्ट प्रोसेस होता है डिवीजन प्रोसेस। डिवीजन प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि 1651 से डिवाइड कर दीजिए, 1651 से डिवाइड कर दीजिए 2032 को, और 2032 को डिवाइड करने के लिए 16 की टेबल पढ़िए, 20 से ज्यादा ना हो, इट मीन्स कि वन टाइम्स जाएगा। और यहाँ से 1651 कर देने पर माइनस कीजिए इसको, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 नहीं होगा, कैरी करेंगे 13 माइनस 5 8 आ जाएगा, और सेम कंडीशंस में 9 माइनस 6 3, तो 381 आ गया। अब 381 से क्या करेंगे, 1651 को डिवाइड करेंगे, तो 3 की टेबल जाहिर सी बात है 3 5 15 मे बी पॉसिबल, अगर हम 5 बार सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 1 5 और 5 8 40 40 के 0 कैरी 4, 5 3 15 4 19, इसका मतलब कि 5 टाइम्स नहीं जाएगा, और 5 टाइम्स नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स ले जाएंगे, और 4 टाइम्स ले जाने पर 4 1 4 और 4 8 32 के 2 कैरी 3, 4 3 12 12 + 3 15 हो जाएगा, तो 15 24 हुआ, इनको माइनस कर देंगे तो 11 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 7, और यहाँ से 4 माइनस 2 2 आ गया, 6 माइनस 5 1 127 आया, और 127 से हम क्या करते हैं 381 को डिवाइड कर देंगे। अब इसको डिवाइड करने के लिए मेरे ख्याल से 12 की टेबल पढ़ेंगे तो 36 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब कि 3 की टेबल में मे बी डिविजिबिलिटी पॉसिबल हो सकती है, तो क्या करें, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 2 8 हो जाएगा, और 3 1 जा 3, देखा आपने इसको डिवाइड हो गया, इट मींस कि इसका जीसीडी या एससीएफ क्या हो सकता है, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, नया वर्ड्स है जो अपर क्लासेस में आपको इनके वर्ड्स के माध्यम से रीडिंग कराई जाती है। तो यहाँ पर जीसीडी इज इक्वल टू 127 हुआ, 127 इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, बात समझ रहे हैं। तो इसमें चॉइस के अकॉर्डिंग थर्ड चॉइस इज करेक्ट हियर, यहाँ आपका तीसरा चॉइस करेक्ट हो गया। अब सपोज कीजिए कि आपको एक आता है, नहीं, यूक्लिड्स एल्गोरिथम के माध्यम से कीजिए, तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम्स के माध्यम से क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल
भाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम, यूक्लिड्स एल्गोरिथम के माध्यम से यहाँ पर क्या करेंगे, इनको रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए। लेकिन वही सेम चीज होती है जो यहाँ पर सामान्य तौर पर डिवीजन प्रोसेस से करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि 2032 है, अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 1651 से आपने डिवाइड किया है तो 1651 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया 381, तो 381 इसमें प्लस कर दिए। अब यही तो आपका है कि यहां पर आप क्या करते हो, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। वही प्रोसेस हम आगे भी करते हैं। अब हमारा नंबर कितना हो गया 1651, माने सेकंड वाले नंबर्स को हम 381 से डिवाइड कर दिए, तो 381 से डिवाइड करने पर क्या चांस हो रहा है, तो 381 मल्टीप्लाइड बाय 4 और प्लस रिमाइंडर क्या बच रहा है 127 बच रहा है। सेम कंडीशंस में अब हम क्या करते हैं 381 को डिवाइड करते हैं, तो थर्ड स्टेप हमारा होगा 381 इज इक्वल टू 127 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस यहां पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं है तो रिमाइंडर 0 हो गया। अब आपने यहां देखा कि फर्स्ट मेथड आपका डिवीजन प्रोसेस से बताया गया, उसी डिवीजन प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, डिवीजन प्रोसेस में कर दिया। वही डिवीजन प्रोसेस जिसे आप हिंदी में भाग संक्रिया या विभाजन संक्रिया कहते हैं, उसी को एक यूक्लिड्स नाम के मैथमेटिशियन ने कहा कि हम इसी प्रोसेस में नोट करेंगे, अर्थात डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू 1 प्लस रिमाइंडर। सेम सिचुएशंस में आपने यहां पर देखा कि इसका एटलीस्ट जीसीडी या एचसीएफ कितना आया 127, और 127 क्या प्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज द करेक्ट चॉइस। तो आपने देखा एमसीक्यूज के माध्यम से हम इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करके तभी कंफर्म आंसर दें, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको 100% मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन इन अकॉर्डिंग टू योर एफिशिएंसी, अगर उसमें थोड़ा भी चूक आपने किया तो जाहिर सी बात है कि उसका नुकसान आपको उठाना पड़ता है। थर्ड क्वेश्चन ऐसे है, 144 लीटर ऑफ लिक्विड पी एन 216 लीटर ऑफ लिक्विड क्यू, कि मतलब एक पी नाम का कोई लिक्विड है जिसकी कैपेसिटी क्या है 144 लीटर, इसी तरह से क्यू नाम से एक लिक्विड है जिसकी कैपेसिटी क्या है 216 लीटर, आर टू बी पैक्ड इन कंटेनर ऑफ द सेम साइज, मतलब कि एक ही जैसे कंटेनर में पैक करना है। द मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स रिक्वायर्ड, जहां पर मिनिमम नंबर्स की बात हो तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि यहां पर एलसीएम की बात की जा रही है, मैक्सिमम नंबर की बात की जाए तो एचसीएफ की बात की जा रही है। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि बोथ नंबर्स अर्थात 144 और इसके बाद दूसरा नंबर क्या है 144 के बाद सेकेंड नंबर है 216, दोनों का क्या करते हैं एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा आपने 2 से डिविजिबल है, तो 27 जा 14, 22 जा 4, 21 जा 2, अब इसके बाद फिर 1 आया, डिवीजन नहीं पॉसिबल हो रहा है तो 0 टाइम्स ले जाएंगे, तब फिर हम 1 और 6 को एक साथ कर पाएंगे। बच्चे यहाँ अक्सर जल्दबाजी में डिवीजन रॉन्ग करते हैं, उनका कोसेंट क्या आ जाता है 108 की जगह 18 आ जाता है और आगे चल करके क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं 2 1 2, फिर 1 आया, 1 डिविजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि 2 से छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं 0 टाइम्स ले जाएंगे कि 2 0 0 0, तो फिर उसके बाद आपने सबट्रैक्ट किया तो एटलीस्ट 1 आया, 1 और 6 मिलके 16, तो 2 8 16 हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि इनके कोसेंट में फर्स्ट कोसेंट 72 और सेकेंड 108 आया। सेम कंडीशंस में हम फिर इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 3 6, 2 6 12, इसी तरह से 2 5 10 और 2 4 8 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे 2 से एक बार फिर से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 2 4 और 2 7 14। अब यहां पर आप देख रहे हैं
कि 2 से नहीं डिवाइड हो रहा। अब भाई 2 से नहीं डिवाइड होगा तो नेक्स्ट प्राइम फैक्टर्स को हम ध्यान देते हैं, प्राइम नंबर्स को लेंगे। अब 2 के बाद वाला प्राइम नंबर्स हमारा 3 आता है, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 3 9 3 6 18 हो जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे, 6 नोट कर देंगे कोशेंट इसका, और 3 9 27 हो जाएगा। फिर लास्ट राउंड में इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6 3 3 9। अब लास्ट में आपने देखा 2 और 3 बोथ आर प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टर्स नोट कर देना है। इस प्राइम फैक्टर्स के माध्यम से हम इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स क्या मिल रहा है, 2 to the power 3, इट मीन्स कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, 3 to the power 3, बल्कि यहाँ 2 to the power 4 कर दीजिए, क्योंकि ये 2 आपका नीचे भी है और इस 3 को कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर 2 to the power 4 into 3 to the power 3 होता है, यही आपका प्राइम फैक्टर्स दैट इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा। बात समझ रहे, ये प्राइम फैक्टर किसका है, 144 और 216 दोनों का कॉमन प्राइम फैक्टर है, जिसके कारण लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स इसका क्या हो जाएगा, 2 per power 4 मीन 16 और 3 to the power 3 का मतलब 27। तो हमारे कंटेनर की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 7 112 2 carry 11 16 2 32 plus 11 that is 43। तो क्या आ जाएगा, 432 लीटर का कंटेनर होना चाहिए, जिसमें हमारी ये कैपेसिटी अर्थात 144 and 216 लीटर की कैपेसिटी दोनों को इस कंटेनर में रखा जा सकता है। मतलब कि एलसीएम इज ए नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 144 एंड 216 बोथ। तो आपने देखा कि एमसीक्यू के माध्यम से हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को लेकर के और अच्छी तरह से बेल सेटिस्फेक्शन के द्वारा क्वेश्चन का सही आंसर देंगे तो आंसर हमारा करेक्ट होगा, जिसमें हमें 100% मार्क्स मिलते हैं। इनके अकॉर्डिंग ये च्वाइस कौन सी हो सकती है, इसमें पहला च्वाइस 6 5 10 और 15 दिया है। बात समझ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में तो जाहिर सी बात है ये तो च्वाइस नहीं आ रही है। अब बात यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर जो उन्होंने दो तरह के लिक्विड्स की बात की थी, लिक्विड पी एंड लिक्विड क्यू, और लिक्विड पी की पोजीशंस क्या थी, 144 लीटर, और लिक्विड क्यू की पोजीशन क्या थी, 216 लीटर ऑफ कैपेसिटी। अब कह रहे हैं टू बी पैक्ड इन द कंटेनर ऑफ द सेम साइज, एक ही साइज के कंटेनर में इसको पैक करना है। द मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स रिक्वायर्ड, कितने कंटेनर्स की जरूरत पड़ेगी, तो कितने कंटेनर्स की मिनिमम नंबर ऑफ कंटेनर्स रिक्वायर्ड, ऐसे नंबर्स ऑफ कंटेनर्स को पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, कि जैसे एलसीएम आपने ले लिया, तो एलसीएम ले लिए तो 432 आ रहा है, 432 को अगर हम 144 से डिवाइड करते हैं तो क्या ये डिविजिबल होगा, अगर ये डिविजिबल होगा तो मे बी इसकी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अदरवाइज हम इसका एक मिनट के लिए एचसीएफ निकाल लेते हैं। अगर हम सपोज कीजिए कि एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो एचसीएफ के लिए भी फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर रखे गए हैं। अब उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, 2 to the power 3 into 3 to the power 2 इतना कर सकते हैं, और 2 to the power 3 का मतलब 8 हो जाएगा, 3 to the power 2 का मतलब 9 हो जाएगा, 8 9 72। लेकिन आप देख रहे हैं ये भी नंबर्स नहीं है। अब यहाँ पर चॉइस क्या हो सकता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आपको फिर से एक बार ध्यान देना होगा कि कौन सा नंबर है जो 72 को भी डिवाइड कर सकता है, तो 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नंबर्स इसमें नहीं दिख रहा है, तो इट मींस इसका चॉइस फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट चॉइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि 6 के टेबल में आपका क्या आता है, 72 आता है, इसके कारण इसका आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम प्रमुख रूप से यहां ये देखने की जरूरत होती है कि ऐसे क्वेश्चंस में जो रियल नंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छी तरह से और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने की जरूरत भी होती है, क्योंकि ये कहने के लिए एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन इन एमसीक्यूज में थोड़ा भी सावधानी अगर हटी तो
तो जाहिर सी बात है उसका नुकसान आपको मिल जाएगा। इस नाते आपको यहाँ पर सतर्क रहने की विशेष जरूरत होती है। अब एक विशेष तरह का क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिशंस में भी रीड किया जाता है और वहां पर पूछा जाता है कि जो प्रमुख रूप से कॉम्पोजिट नंबर बताने की बात आती है। अब कॉम्पोजिट नंबर्स को कहाँ पर हम ध्यान देंगे, यहाँ प्रमुख रूप से कुछ नंबर्स की सीरीज दी गई है, इसमें कॉम्पोजिट नंबर्स की बात करते हैं कि दिस नंबर इज कॉम्पोजिट, वेरीफाई दिस। अब इनको वेरीफाई कैसे करते हैं, इनके विषय में हमें प्रमुख रूप से देखने की जरूरत है। अब यहाँ पर प्रमुख रूप से क्या देखेंगे उसका भी एक एग्जाम्पल हमने सजेस्ट किया है। यहाँ पर ये प्रमुख रूप से एग्जाम्पल क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कि 1.456 इसमें क्या करना है, रेशनल नंबर्स बताने हैं। अब रेशनल नंबर अगर इसको बताना है तो रेशनल नंबर्स के लिए इसको आप क्या कर सकते हैं, x इसको से कर लीजिए, इससे x की वैल्यू आपकी ये हो गई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बार ब्रैकेट लगा हुआ है, बार ब्रैकेट में क्या इंडिकेशन होता है, 3 डिजिट पर बार ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब कि यहाँ से हम नेक्स्ट टाइम में क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 1.456456 इस तरह से रिपीटेड 456 चलता रहेगा। इट मींस कि 456 बार बार हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि 3 नंबर्स विल बी रिपीटेड हियर। तो ऐसी कंडीशंस में हम नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे, 10x भी ले सकते हैं, 100x भी ले सकते हैं और लास्ट में 1000x से 3 डिजिट शिफ्ट हो सकती हैं। तो हम डायरेक्ट यहां पर क्या करेंगे, 1000x लेंगे क्योंकि उतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत यहां मेरे ख्याल से नहीं है। तो अगर हम इसको 1000x लेते हैं तो 1000x लेने पर 1000 का इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1456.456 इस तरह से रिपीटेड वैल्यू चली जाएगी। इसको सपोज कीजिए कि हम फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट इक्वेशन मान लिए और इसको क्या मान लिए, सेकेंड इक्वेशन। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड से, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट। अब यहां से क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड विल बी सब्ट्रैक्टेड यहां से हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा 1000x है तो 1000x माइनस x 999x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1456 माइनस 1.44 समथिंग है। तो यहां से 1 आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इंटीजर पार्ट्स, तो 1455 आ जाएगा, शेष नंबर सब्ट्रैक्ट के दौरान कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेक्स्ट स्टेज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1455 अपॉन 999। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रमुख रूप से हम यहाँ क्या करते हैं, x जिसको आपने से कहा था उसको एज ए बार ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग रेशनल नंबर्स में प्रूव कर दिया। अब ये नंबर्स में भी किसी और से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप इसको रेशनल नंबर्स के तौर पर यहीं पर प्रस्तुत कर दीजिए, यही आपका रेशनल नंबर्स का एक एग्जांपल हो जाएगा। एक और अच्छा सा एग्जांपल है, जैसे सपोज कीजिए कि कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13 इसको दिखाना है क्या ये कॉम्पोजिट नंबर्स है, और कॉम्पोजिट नंबर्स है तो किन कंडीशंस में है। यहां पर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेज में 13 को कॉमन कर लेते हैं तो ये वैल्यूज क्या बचेगी, 7 × 11, तो यहाँ 11 × 7 = 77 और प्लस 1 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं कि यहां से 13 ये वैल्यू हमारी आ गई और यहाँ 77 + 1 = 78 हो जाएगा, तो 13 × 78। अब 78 को हमें क्या करना है कि एटलीस्ट
कंपोजिट नंबर्स दिखाने के लिए 78 का फैक्टर दिखा देना, क्योंकि एक तो हमारा प्राइम फैक्टर 13 नहीं है, तो यहां से हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, 13, अब 78 में देख रहे हैं यूनिट डिजिट 8 है, तो यूनिट डिजिट 8 है इसका मतलब 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए 78 को, तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 39 हो गया। और अगले स्टेप में आप दिखाना चाहें स्पेशली, तो 13 × 2 × 3 × 3 × 13 ये एटलीस्ट किस में आ गया, कंपोजिट नंबर्स में, कंपोजिट नंबर्स, इसी के अकॉर्डिंग इसकी कंपोजिट नंबर की कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो अभी आपने देखा कि प्रमुख रूप से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी काफी इंटरेस्ट आता है, और इसी इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रियल नंबर्स का बेल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और वह बेल कॉन्सेप्ट आपका स्टार्टिंग मोड में कहाँ होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स, नेक्स्ट कंडीशन इज द वेरिफिकेशन ऑफ LCM एंड HCF बोथ। अब इन सीक्वेंस में फिर हम क्या देखते हैं कि कुछ नंबर्स होते हैं जिसके माध्यम से हमें यहाँ पर क्या दिखाना होता है, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग नंबर्स। रेकरिंग और नॉन रेकरिंग नंबर्स में क्या आते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि 35/16 है, 35/16 में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, डिनोमिनेटर 16 है, अब डिनोमिनेटर 16 है तो हम इसका फैक्टर्स चेक कर लेते हैं कि 35/16 को 2^4 में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पर जरूरत क्या होती है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग नॉन रेकरिंग की बात होती है, तो दोज डिनोमिनेटर्स इज द फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 बोथ, दैट इज कॉल्ड रेकरिंग और टर्मिनेटिंग वैल्यूज। अगर ऐसी कंडीशंस नहीं है तो ना तो रेकरिंग होगा और ना ही टर्मिनेटिंग होगा। तो कहने का मतलब रेकरिंग एंड टर्मिनेटिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिनोमिनेटर से ही सिलेक्शंस कर लेना होता है कि ये कंडीशंस किस पर लागू होती है और कैसे लागू होती है। इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि आगे की पोजीशंस में किस टाइप के क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होता है जहाँ पर बच्चों की प्रॉब्लम्स भी होती है, ऐसे प्रॉब्लम्स की जैसे सपोज कीजिए किसी नंबर्स को हमें रेशनल नंबर्स के रूप में पहचानना है, इट इज रेशनल नंबर आर नॉट, तो रेशनल नंबर्स की वही डेफिनेशंस आपको एटलीस्ट काम आती है जो सामान्य तौर पर आप डेफिनेशंस देते हैं। अब उन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल इसने लिया कि सपोज कीजिए 5 − 2√3 इसको क्या प्रूव करना है कि इट इज इरेशनल नंबर। क्या है कि इट इज इरेशनल नंबर्स, कैसी नंबर्स है भाई, इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती हैं, द अपोजिट कंडीशंस ऑफ रेशनल नंबर, तो अपोजिट कंडीशंस ऑफ रेशनल नंबर, तो जाहिर सी बात है कि रेशनल नंबर्स हमें मालूम होनी चाहिए। रेशनल नंबर्स मालूम होने के लिए पहली शर्त इसकी क्या है कि पी बाई क्यू के रूप में हो। अब पी बाई क्यू का मतलब कि लाइक एज ए फ्रैक्शन पार्ट हो, अब वो फ्रैक्शन पार्ट्स में हो तो सेम सिचुएशंस में हम यहाँ कह सकते हैं कि ये किसके इक्वल हो, 5 − 2√3 से इट इज रेशनल नंबर्स। ये क्या है, रेशनल नंबर्स हम मान लेते हैं। अब रेशनल नंबर्स के होने की कंडीशंस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इनका स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स का मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसके स्क्वायरिंग कर देंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देने का मतलब कि p by q का होल स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 5 − 2√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, जिसमें a स्क्वायर का मतलब 5 × 5 = 25 और प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 आप जानते ही हैं, तो 4 × 3 = 12 हो जाएगा माइनस 2ab का मतलब 2 × 2 = 4 और 4 × 5 = 20√3
मतलब कि यहां से ये वैल्यू क्या आ गई 20√3। अब आपको यहां बाय नेचर ही देखने से लग रहा है कि कोई नंबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर से अगर डिविजिबल होती है मे बी, तो यहां पर मेन प्रॉब्लम क्रिएट कौन करेगा? रूट थ्री करेगा, जो नहीं डिविजिबल होगा। और नहीं डिविजिबल होने की कंडीशंस में हम क्या कर देंगे, इट इज इरेशनल, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम्स क्या होती है कि एक्चुअली यहां पर p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स होना चाहिए, q इज नॉट डिविजिबल बाई q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहां की कंडीशंस क्या आ रही है कि p स्क्वायर q स्क्वायर करने के बाद भी ये नंबर्स पूर्णतया रेशनलाइज नहीं हो रही है, जिसके कारण ऊपर का स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इज इरेशनल नंबर्स। सेम सिचुएशंस में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जिनको प्रमुख रूप से हमें यहाँ देखना पड़ता है। कभी कभी ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी बना देते हैं, जैसे अभी रिमेनिंग द रिमाइंडर्स की बात कर रहे थे, तो रिमाइंडर्स की बात कर रहे थे तो एक क्वेश्चन इनका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी हम बात करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक नंबर है, कह रहे हैं फाइंड द लार्ज नंबर दैट डिवाइड 1251, माने कि 1251 पहली नंबर है, दूसरी नंबर इनकी क्या है 9377 और थर्ड नंबर है इनकी, थर्ड नंबर्स प्रमुख रूप से 15628। अब ये तीन नंबर्स यहां पर क्या कर रहे हैं कि लीव द रिमाइंडर्स 1, 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। यहां से क्या रिमाइंडर लीव कर रहा है, 1 माइनस कर दीजिए, यहां से -2 कर दीजिए, यहां से -3 कर दीजिए, फिर क्या न्यू नंबर्स आ जाता है, न्यू नंबर्स आपका 1250 आ गया। अगला नंबर्स यहां पर 9375 हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 15625। ये सभी नंबर्स आपको मिल गए। यहां से हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमारा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, यहां फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन प्रोसेस से आप इसके लार्जेस्ट वैल्यू मीन्स एचसीएफ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है 1250, इससे हम लार्जेस्ट नंबर को 15625 को डिवाइड कर लेंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारा डिवाइजर कितना है, 4 डिजिट का है, तो इनके डिवाइजर्स डिवाइडेंट से भी पहले हम 4 डिजिट ही लेंगे, और 4 डिजिट लेने के बाद फिर हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी 4 डिजिट कितनी हुई 1562, मींस 1% इज पॉसिबल हियर। तो 1 टाइम से इसको ले जाएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 1250, और 1250 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 - 0 - 2, 6 - 5 - 1 और 5 - 2 - 3 आ जाएगा। ये कैंसिल हुआ, नेक्स्ट नंबर 5 आ गया। अब आप देख रहे हो 3125 क्या इंडिकेट कर रहा है कि 12 की टेबल हम इतनी बार पढ़े कि 3125 से ज्यादा ना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं 2 टाइम्स ले जाएंगे, क्योंकि 12 2 24 मालूम ही है, तो 2 टाइम्स ले जाइए, 2 0 0 2 5 10 0 और 2 2 4 + 1 5 2 1 2 22500 हुआ। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 2 और 11 - 5 6 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। 625 क्या इंडिकेट कर रहा है कि एटलीस्ट 625 इज द लेस वैल्यू देन डिवाइजर। अब डिवाइजर से छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है इन अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ एचसीएफ 625 से 1250 को डिवाइड कर देंगे। 1250 को डिवाइड करने का मतलब कि अब यहां से हमें मालूम हो गया कि जो वैल्यू लास्ट में आई वो हमारे डिवाइजर से छोटी है, तो जो रिमाइंडर टाइप की वैल्यूज आ रही है उससे हम डिवाइजर को डिवाइड कर दें। तो यहां 625 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 टाइम्स ही जा रहा है, और ये वैल्यूज क्या आ रही है 1250 हो जा रहा है, मतलब कि ये डिवाइड हो रही है, और डिवाइड हो जाने का मतलब कि इससे ये क्लियर हो गया
कि SCF 625 होने के चांसेस बन रहे हैं। अगेन फिर अब हम क्या करेंगे, 625 से किसको डिवाइड कर देंगे, 9375 को। इनको डिवाइड करने के लिए फर्स्ट आप 6 की टेबल पढ़ेंगे कि क्या करें, पहला उसका 3 डिजिट ले लीजिए, 937 है तो 1 पार्ट सी पॉसिबल है, तो कोसेंट 1 ले जाइए और यहाँ 625 कर दीजिए, तो 7-5 2 आ गया, 3-2 1, 9-6 3 हो गया, 312 आ गया। अगले नंबर्स को नोट कर लेंगे तो 5 आ जाएगा, अभी आप देख रहे हैं 3125 आया था पहले, तो यहां से भी क्लियर हो गया कि जाहिर सी बात है यहां पर भी 2 टाइम्स जाएगा, और 2 टाइम्स जाने का मतलब कि यहां 2 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स जाएगा, 4 क्यों, 5 टाइम्स भी जा सकता है, और 5 टाइम्स सीधे ले जाएंगे तो 5 5 25 5 2 10 प्लस 2 12 और 5 6 30 प्लस 1 31। इससे क्या क्लियरिटी आ गई कि लास्ट 625 भी हमारा कॉमन डिवाइजर है, बात समझ रहे हैं। तो यहां से हम क्या शो कर देंगे डायरेक्टली कि SCF इज इक्वल टू 625। इससे पहले अभी आपको जीएसटी जीसीडी राइट करने के लिए ये यूक्लिड्स एल्गोरिथम मेथड को भी बताए, और एक मतलब उस मेथड के अकॉर्डिंग आप यहाँ जीसीडी नोट कर सकते हैं। तो यहां पर चाहे आप यूक्लिड से कीजिए, डिवीजन प्रोसेस से कीजिए, जो भी आप कीजिए एज यू विश, लेकिन एटलीस्ट आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात की जाए तो आपको SCF फाइंड आउट करना है, लोएस्ट नंबर की बात की जाए या मिनिमम नंबर की बात की जाए तो आपको LCM फाइंड आउट करना है। इसी के साथ आज का जो रियल नंबर का टॉपिक था वो समाप्त हो रहा है।